सभी का धन्यवाद। यहाँ पे खरखोदा में आज आए, खिलाड़ियों का यहाँ पे सम्मान करा, जो खिलाड़ी जीत का आए बाहर से, जिन खिलाड़ियों ने वहाँ पे हिस्सा लिया उन सबका यहाँ पे सम्मान करा किसान मोर्चे की तरफ से। और जब वे खिलाड़ी यहाँ से वापसी हो गए कैंपस से, तो फिर उनके जाने के बाद में अपनी किसान संगठन की भी बात हमको कर लेनी चाहिए। बड़े मामले देश भर में चल रहे, आंदोलन दिल्ली के चारों तरफ भी है, आंदोलन हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक से लगा के वहां तक आंदोलन चल रहे हैं। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले MSP के रेट बढ़ाए, हमने कहा कि मैकेनिज्म रेट बढ़ाने का, फसलों के बढ़ाने का, MSP बढ़ाने का खराब है, लेकिन जो बढ़ा दिया उसका गारंटी कार्ड दे दो, वो भी नहीं मिल रहा। किसानों को कैसे बदनाम करा जाए, रेट का गारंटी कार्ड नहीं, किसानों को बदनाम करने पर लगे हुए हैं। वो अधिकारी के खिलाफ इंक्वायरी करवा लीजिए, तो ये तो यहाँ पे सड़क रोक दीजिए उन्होंने। ये तो आंदोलन छोटे किसानों का तो आंदोलन है नहीं, बड़े किसानों का आंदोलन है। तो बहुत तरह के एलिगेशन लगाते हैं, इन सब उससे बचना है हम सबको। और खास करके जो युवा वर्ग है, उसको युवा वर्ग गया था, उसने नारे लगाए थे किसी पार्टी के, अब खुशी की बात है कि वो युवा वर्ग वापसी आ रहा है और अपने मोबाइल के साथ में वापसी आ रहा। इनके सोशल मीडिया का प्रचार से टक्कर लेनी है तो भाई युवा ही ले सकता है। आज लड़ाई बंदूक लाठी की नहीं रही, आज लड़ाई है जो हाथ में मोबाइल है इसकी, इसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हो, दिखाइए भैया, ये इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, आज लड़ाई इसकी है। और इसका इस्तेमाल युवा ज्यादा कर सकता है, जो बुजुर्ग लोग हैं उनके काबू नहीं आ रहा, ये उनके काबू हमारे हल तो आ सकता है, हमारा ट्रैक्टर आ सके, लेकिन ये जो मकड़ जाल है ये हमारे काबू से बाहर की बात है। इस पे देश के युवाओं से अपील है कि सोशल मीडिया ने जो बीजेपी का सोशल सेल है, सोशल मीडिया है ने उसने हमको घेर लिया, हम सरकार के तो काबू आए नहीं, लेकिन जो चमकीली कोठी में बैठने वाले लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो सोशल मीडिया पे काम करते हैं, उन्हें घेर लिया भाई हमको। इस मकड़ जाल से देश का जो युवा है उसका मुकाबला, और उसका मुकाबला अब ये वार रूम में बैठ कर मुकाबला होगा। इसमें सब लोग साथ दें, जितने बच्चे हैं अपने गांव की, जो नुकसान वहां पर हो रहा है, फसलों का नुकसान है, आपके घर में क्या क्या नुकसान हो रहा है, क्या पिछले 7 साल में देश की आमदनी बढ़ी, आपके परिवार की आमदनी बढ़ी या घटी, ये सारे सवाल हैं। आप ये सवाल दागो, अगर हमने अल्लाह अकबर और हर हर महादेव कह दिया तो हमारे पास ऐतराज है पूरे, ये सब लोग नाम लेंगे उस पर कोई ऐतराज नहीं है। देश के संविधान में ये राइट दिए गए हैं संविधान के अंदर के हिंदुस्तान में, ये हिंदुस्तान सभी जाति धर्मों का देश है, इसमें सभी जाति धर्मों का सम्मान करा जाएगा, उनको बराबर का दर्जा दिया जाएगा, कोई किसी के खिलाफ नहीं बोलेगा, ये कानून बने हुए हैं। लेकिन ये देश को तोड़ने वाली ताकतें आपके सामने है, इनसे मुकाबला करना है। इनसे ये पूछो कि उन्होंने मंडियां बेच दी, इनसे ये पूछो कि उन्होंने रेल बेच दी, स्पेशल रेल के नाम पर ट्रेन बेच दी, इन्हें ये कहो कि इन्होंने कितने संस्थान बेच दिए, लेकिन उसको नहीं बताएंगे। ये बताएंगे कि इसमें नारा लगा दिया जी, उनके पक्ष में नारा लगा दिया। हमने किसी के पक्ष में नारा नहीं लगा, हमने लगा है कि देश टूटने से बचे। आप बताओ ना कि उससे दिक्कत क्या हुई, और उसी मुजफ्फरनगर की धरती से नारा लगा है जहां से तोड़ने का इन्होंने काम करा था। हम जोड़ने का काम करते हैं, वो पूर्ण रूप से देश के हक में है। आप इनके चक्रव्यूह से दूर निकलो, ये पूरे देश को बर्बाद करेंगे, ये यहां से बेच के जाएंगे, ये उद्योगपतियों की सरकार है, ये बेच के जा रही है पूरे सिस्टम को। जिस मंडी में हम खड़े हैं, आने वाले टाइम पे ये मंडियां भी बिकेगी, इस मंडी की पूरी जमीन ने इंडस्ट्रीज लगाने के नाम पे अपने चहेतों लोगों को दी जाएगी। मध्य प्रदेश में एक कानून आ गया कि मंडियों को बेचा जा रहा है, सड़कें बेच दी, अब 500 मीटर जो NH के आसपास के लोग हैं वे अपने वहां पे चाय की दुकान नहीं कर सकते,
कोई होटल नहीं खोल सकते, उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, ये कानून आ गया है। तो इनसे आपको बचना है तो इस युवाओं को मुकाबला करना पड़ेगा, नहीं तो देश गड्ढे में जाएगा। एजुकेशन पर कोई देश में ध्यान नहीं है, हेल्थ पर कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ बबंडर बचाने पर ध्यान है। हमको कई दिन से गालियां दे रहे हैं, 5-4 दिन हो गए आज पूर्ण रूप से, आपने ये कर दिया जी। अरे हम खेती कर रहे भाई, कौन कह रहा के मैं हमने ये कर दिया, हमने कहा कि हमने दोनों नारे वहां पर लगाए, लेकिन अगर किसी को एक सुनता होगा तो भाई हमको तो पता नहीं, दोनों देश ने तो दोनों सुने। तो ये नारे तो पिछले 35 साल से लग रहे, आप उन चीजों पर ध्यान ना दे के, आप ध्यान ये दे कि विकास कितना हो रहा है, आप ध्यान ये दे ट्विटर पे कितना काम हो रहा है, ट्रैक्टर पे कितना काम हो रहा है, देश में हमारे जो नौजवान हैं वो टैंक पे काम कर रहे हैं। तो आपका सब लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संयुक्त मोर्चा और वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।